हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर, जहां भादो की शाही सवारी निकलती है सोमवार को। आज हम आपको उसके लाइव दिखाएंगे। ये शिवलिंग है उज्जैन का, और जन्माष्टमी के दिन ही यहां शाही सवारी निकली है इस साल की। तो जन्माष्टमी के साथ ही शाही सवारी का भी समागम हुआ। शिवराजी चौहान ने इसका शुभारम्भ किया सवारी का। देखिए कितनी जनता उमड़ती है यहाँ देखने के लिए। हम आपको लाइव दिखाते हैं, आप चलिए भक्ति में सराबर होने के लिए। पहली सवारी निकलना शुरू हो गई है, भोले बाबा आ रहे हैं। देखिए शिव भगवान, कितने लोग मुखौटा पहनकर आते हैं, कितना मनोरम दृश्य है ये। सारे देवी देवता बन के आए हैं। झान मजीरे, डमरू की आवाज गूंज रही है। ये बुजुर्ग इंसान भी अपना जोश जाहिर कर रहे हैं। ये भगवान शिव आए हैं, भक्ति में पूरा उज्जैन नगरी डूबी हुई है, भक्ति में सराबोर है। हर जगह बम बम बोले बम शिव के नारे गूंज रहे हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात शिव शिव उतर आए हैं धरती पर। सारे देवता आ गए हैं उनके स्वागत के लिए। ऐसा लगता है अगर आप सवारी देखने जाते हैं शायद, ऐसा लगता है आप खुद स्वयं किसी मनोरम स्थल पे आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसी अनुभूति होती है। सारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। देखिए झान मंजरे इतने इससे बज रहे, भक्त इतने उत्साह से अपने बाबा का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें नगर भ्रमण पे निकाल ले जा रहे हैं। ये शाही सवारी है उज्जैन की, देखते ही बनता है दृश्य। इतनी भीड़ होती, इतना पब्लिक है, हर कोई बाबा के एक झलक पाना चाहता है, हर कोई बाबा को देखना चाहता है। हर भक्त लंबी, बहुत लंबी दूरी बनाई हुई होती है जहाँ से ये पूरी झांकी निकलती है बाबा की जयकारे लगाते हुए। सारे भक्तगण, पुलिस, जितने भी अधिकारी रहते हैं सारे आते हैं बाबा की शाही सवारी में। लोग वेशभूषा बना के आते हैं अलग अलग तरह की, बड़ा मनोरम दृश्य लगता है, मन को एकदम शांति मिलती है। वहाँ इतना शोर होता है सारे बैंडों का, आवाज़ों का, लेकिन फिर भी मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, जैसे आप जन्नत में आ गए हों। आप देख सकते हैं, हमने इसका लाइव वीडियो बना के हम आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप भी शाही सवारी देखने अगले साल आएँ। ये माँ लक्ष्मी भी आई हुई है इसमें, कितनी सुंदर दिख रही है ये, इनका भी आशीर्वाद सबको मिल रहा है। आप देख सकते कितने लोग उत्साह हो रहे हैं पीछे उनकी एक झलक पाने के लिए। ये कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी भी है आज, तो कृष्ण भगवान राधा के साथ आए हैं, बाबा की सवारी में आगे चल रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं। भोलेनाथ खुद आए, स्वयं भोलेनाथ आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती के साथ। आप देखिए ये भक्त मंडल, शीतला माता भक्त मंदिर मंडल भी आया हुआ है। माँ कालका भी, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मन इतना खुश होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वयं चल रहे हैं, भजन भी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, भगवान की मस्ती में मस्त हो रहे हैं बाबा के स्वागत में। अब बाबा की झांकी आ रही है, उसकी एक झलक पाने के लिए जनता इतनी बेताब हो रही है कि सिर्फ एक झलक ही मिल जाए हमें हमारे भगवान की, हमारे राजा की। उज्जैन के राजा कहलाते हैं महाकाल। देखिए आ गई है बाबा की सवारी, लोग चाहते सिर्फ एक छोटे से झलक ही हमको देखने को मिल जाए, कैसे भी बाबा के दर्शन हो जाए बस। हमारा सौभाग्य की झांकी हमारे सामने, उन्होंने थोड़ी देर रोकी तो हम बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन कर पाए। देखिए हालांकि बाबा के पास वहां जाने नहीं देते, बैरिकेड्स लगे होते, लेकिन फिर भी दूर से उनका दर्शन करना दुर्लभ होता है, एकदम अलौकिक दृश्य होता है बाबा के दर्शन करने।
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस सवारी में, झांकी देखने, बाबा की शाही सवारी निकलती है। आप भी जरूर आएं आते साल और ये सवारी का आनंद लें और बाबा के दर्शनों का भी लाभ उठाएं, ताकि शिव आप पे प्रसन्न हो। जय बम बोले, ये बाबा हैं और उनकी भक्ति में आप भी डूब जाएं। जय महाकाल।